व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई, और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से या ज़्यादा आहत करने वाला है। नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का DNA एक है, और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना पहुंचते ही पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर जोरदार हमला बोला है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उपेंद्र कुशवाहा का DNA सेम है, ऐसे में हमारे नेता को कोई भी गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। देखिए, हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई, और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से या ज़्यादा आहत करने वाला है, सब लोगों को मालूम है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का DNA एक है, और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव चुप क्यों है? बाकी कौन क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो विषय है उस पर हमने बात की। सुधाकर सिंह ने हमने कहा कि मुझको जो कहना था, मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा, उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज़्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं, जो और ज़्यादा दुखद है, इससे ज़्यादा मेरी अभी तत्काल कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए कहा है। आरजेडी को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने अपनी पूरी बात कर दी। हमने कहा है यह बात मुझको कम से कम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी राय है, इसलिए उस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेगी, यह मुझको कन्विंसिंग नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि हो सकता है कि इसका कारण नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा का DNA एक है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है फीलिंग मुझको। लेकिन जो कुछ भी हमको कहना था हमने कह दिया। तो आपने साफ तौर पे सुना, पटना पहुंचते ही उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर जोरदार हमला बोला है, और उन्होंने कह दिया है कि राजद को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, उनका बचाव राष्ट्रीय जनता दल ना करे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह ने गाली देने का काम किया है, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड किसी भी प्रकार से इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से इन दिनों बिहार की राजनीति में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं, तो ऐसे में इस मामले में नया क्या कुछ देखने को मिलता है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।